तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि क्या करना है, आपने इसी तरह से रूल्स बनाने, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, डेटा गिवन होगा, आपने डेटा एज्यूम करना है कि पहले से सेव है। अगर कहा जाता है कि आपने सेव करना है तो आप क्या करेंगे, उसको असर्ट फंक्शन के थ्रू पहले सेव करेंगे और फिर जो है वो उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। असर्ट, असर्ट के नाम से एक फंक्शन है, AWSERT। अच्छा, जैसे ये एक एग्जांपल है कि ग्रैंड पेरेंट का रूल बना हुआ है कि एक्स इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी। अब वो ये कह रहे हैं कि इफ एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई एंड वाई इज द पेरेंट ऑफ जी, ग्रैंड पेरेंट का रूल ये होगा कि जो भी एक्स है वो ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी है, कब, जब एक्स जो है वो पेरेंट हो वाई का, यानी एक्स का एक पेरेंट हो जिसको हम वाई कह रहे हैं, और उस वाई का पेरेंट क्या हो, जी हो, तो वो ग्रैंड पेरेंट का रूल हो। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि x इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ z, व्हेन x पेरेंट होगा y का, y पेरेंट होगा z का, ठीक है। लेकिन अगर y z का पेरेंट है, बिल्कुल सही है, z का पेरेंट है, फिर x y का कैसे पेरेंट होंगे, y अगर z का नहीं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट x का x is the parent of z, parent of, sahi hai, x is the grandparent of z, if x is the parent of y and y is the parent of z, great grandparent same, x is the great grandparent of z, if x is the grand parent of y, y is the parent of w and w is the parent of, yani level 3 ho jayega, level 4 ho jayega isme, sahi hai, samajh rahe ho baat, yes sir, asan topic hai, itna mushkil nahi hai। इसे देखिए जरा, प्रीडिसेसर का रूल है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि प्रीडिसेसर का मतलब यह होता है कि चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ना, या पेरेंट ऑफ पेरेंट आप कह सकते हैं। तो इस लेवल के अंदर अब ये एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई, वाई इज द पेरेंट ऑफ जी, या आप कह सकते हैं, मतलब इसमें यह है कि इसमें लेवल नहीं होता, जैसे जिसको नॉर्मली आप नहीं कहते कि वो पेरेंट ऑफ जिसको आप पीडी कहते हैं अपनी जुबान में, एक कंप्लीट चेंज चल रही होती है। तो प्रीडिसेसर का जो रूल है, इसमें एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई, वाई इज द पेरेंट ऑफ जी हो सकता है, जी इज द पेरेंट ऑफ डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू इज द पेरेंट ऑफ एस हो सकता है, मतलब ये कंप्लीट चेन है। इस तरह का रूल जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ बेसिकली रिकरियन का कॉन्सेप्ट आता है। आप जेनेरिक तो रूल बना नहीं सकते, इसके लिए आप स्पेसिफिकली अगर आप ये कहते हैं कि एक्स इज द प्रीडिसेसर ऑफ जी, तो इस केस में आप कहेंगे कि एक्स इज द पेरेंट ऑफ जी। लेकिन अगर आप कहें कि x इज द, इस वाले केस में इज द प्रीडिसेसर ऑफ जी, इफ x इज द पेरेंट ऑफ y एंड y इज द पेरेंट ऑफ, यानी ये लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसी तरह ये लेवल 4 है, ये 5 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, तो लेवल वाइज तो आप यहाँ रूल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने जेनेरिक रूल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। रिकर्सिव फंक्शन से क्या मतलब है यहाँ, कि एक हम रूल बनाए x इज द प्रीडिसेसर ऑफ z इफ x इज द पेरेंट ऑफ z, और यहां पे जब हम उसे एक नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि x इज द प्रीडिसेसर ऑफ z इफ x इज द पेरेंट ऑफ y एंड दैट y इज प्रीडिसेसर ऑफ z, यानी इसका मतलब है कि इसी रूल में हम अगेन इसी रूल को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हमने एक रूल बनाया, ठीक है, कि x इज द प्रीडिसेसर ऑफ z, इसमें हम लेवल 1 तक चेक करें। प्रीडिसेसर का मतलब यह है कि x जो है वो पेरेंट है z का। सिंपली इसके जो प्रीडिसेसर का रूल होता है वो सिर्फ एक लेवल तक नहीं होता, वो पेरेंट का पेरेंट भी प्रीडिसेसर ही होता है, पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट भी प्रीडिसेसर ही होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे रूल कुछ इस तरह से जेनेरिक बनाएं कि वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, या अप टू 120 हो या 100 हो, वो हमारा एक ही रूल उसको क्या कर सके, वैलिडेट कर सके। उसके लिए हमने किया ये है कि एक रूल के अंदर सेम उसी रूल को दोबारा कॉल कर लिया, जिसे हम रिकरियन कहते हैं। यहाँ सेम यही किया है, एक्स इज द प्रीडिसेसर ऑफ जी, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट इस तरह से है, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, कि जिसमें जो लेवल्स हैं वो अनडिफाइंड लेवल हैं, नंबर ऑफ लेवल प्री डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम कह रहे हैं एक्स इज द प्रीडिसेसर ऑफ जी इफ एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई
x is the predecessor of z if x is the parent of y and that y is the predecessor of z. जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ तक का सारा पोर्शन दोबारा कॉल होगा, एक लेवल और आ जाएगा, फिर वो दोबारा उसको कॉल करेगा तो लेवल थर्ड तक चला जाएगा, फोर्थ तक, फिफ्थ तक, सिक्स तक, ये रिकर्सिव कॉल चलेगा, ये रिकर्सिव कॉल, समझ गए बात। तो यहाँ तक ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपने करना है, इसे ऑनवर्ड नहीं करना। तो इस केस में आपने सिंपली ये करना है कि आपको इसी तरह से जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक रूल, यू रूल गिवन होगा, आपसे कहा जाएगा कि यूज द फैक्ट ऑफ मेल, फीमेल एंड पेरेंट, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मतलब ये फंक्शंस हैं, यूज दिस फंक्शंस एंड डिफाइन अ न्यू फंक्शन, या आपसे ये कहा जाएगा कि यूज दिस फैक्ट्स, पेरेंट, मेल, फीमेल एंड डिफाइन अ न्यू फैक्ट सिस्टर। तो सिस्टर के केस में इस तरह से आपको जस्ट कॉल गिवन होगी कि एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, ये जो वैन की कंडीशन है ये आपने लिखनी, समझ गए बात, ठीक है, यही है इनकी चार पॉइंट। इसी तरह का कोई रूल हो सकता है, लाइक ग्रैंडफादर हो गया, आप जो है वो कह सकते हैं पैटर्नल आंट कह सकते हैं, मैटरनल आंट कह सकते हैं, फादर मदर की तरफ से जो आंट हैं, इसी तरह की बहुत सारी और भी कंडीशन हो सकती है, आपने इसी तरह से उनके लिए बनाना है। इसकी मेल भी पड़ी, ये प्रोलॉग की मिल जाएंगे।